घर पे बैठे बैठे अपने अपने दोस्तों से मिलके। नाइस, ये बहुत अच्छा है, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। आप लोगों को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूंगी मेरा फ्रेंडशिप्स डे। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे मिस अदिति। और कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो आप लोग अपना फ्रेंडशिप्स डे? बाहर घूमने जाओगे? अगर बाहर घूमने जाओगे तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज वियर मास्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हे हाय 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 हाय, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। हाय सुधीर, हाय सैम भवी अंडरस्कोर T3। हाय, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू यू ऑल। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मतलब मेरे मेरे साथ है ना, बड़ा अजीब हुआ है, क्योंकि दिल्ली से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, और मेरे 9th 10th 11th 12th जो है वो सारा ही जो है वो अलग अलग स्कूल्स में हुआ है। कुछ कुछ रीजंस की वजह से मेरे 9th 10th 11th 12th बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स में हुए, तो मेरे बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स जो हैं वो बने, बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि किसी के साथ भी एकदम क्लोज बॉन्ड नहीं हो पाया मेरा, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। तो पर मैंने बड़ी मस्ती मारी है अपनी स्कूल लाइफ में। स्पेशली आई रिमेम्बर मेरा 12th जब चल रहा था, और 12th बहुत ही डिफिकल्ट क्लास भी होता है, तो मेरे को जो है वो उस टाइम पे वो स्कूटी मिल गया था चलाने के लिए, तो आई यूज़ टू गो ऑन स्कूटी। मेरा स्कूल काफ़ी पास था, तो मैं ऐसे स्कूटी में अपनी मस्ती में पिंक कलर की पेप पे जाया करती थी स्कूटी पे। और मैं काफ़ी, मतलब मैं छोटी छोटी हाइट वाली हूँ, तो सब मुझे बहन बहन करके बुलाया करते थे। मैं पूरी स्कूल की, अपनी पूरी क्लास की जो है जगत बहन थी। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझसे आके बात करते थे, तो आई वॉज लाइक दो चुटिया बना के एकदम सीधी सादी सी लड़की। बट बहुत पॉपुलर थी मैं, क्योंकि कोई भी आके मेरे से कोई भी बात डिस्कस कर सकता था, क्योंकि मैं सबकी, मतलब वैसा वैसे टाइप की फ्रेंड थी, बहन टाइप की, तो सबके सीक्रेट्स भी मुझे पता होते थे, तो बहुत मज़ा आता था। बट हाँ, मैं एक ऐसी थी कि मुझे सबकी सब चीज़ें पता होती थी, बट आई यूज़ टू कीप थिंग्स टू माई सेल्फ। मैं किसी के सीक्रेट्स किसी और को रिवील नहीं करती थी। मेरी स्कूल लाइफ मतलब बहुत अलग थी, क्योंकि जनरली जो स्कूल लाइफ होती है लोगों की, वो एक ही स्कूल रहता है तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है। बट मेरा अलग अलग स्कूल रहा, तो उतना स्ट्रांग बॉन्ड मेरा फ्रेंड्स के साथ नहीं बन पाया। पर जो स्कूल लाइफ थी वो इंटरेस्टिंग बहुत थी, क्योंकि मैंने बहुत दोस्त बनाए हैं अपनी स्कूल लाइफ में। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट बात है ये कि मैं उन लोगों के साथ अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, पर स्कूल लाइफ मेरी उन लोगों की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं एंड इस लाइफ के एंड में मैं आप लोगों में से किसी एक को मैं लाइव लूंगी अपने साथ। हाय दीपशिका, हाय। मैं बात करते करते जो है ये आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना भूल जा रही हूँ। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट विद योर फ्रेंड्स, मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट। आप लोग मुझे बताओ पहले आपकी, प्लीज प्रैंक योर ब्रदर। अच्छा, आप मुझे यूट्यूब कंटेंट दे रहे हो क्या मेरा? थैंक यू, आई थिंक अबाउट दैट। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट विद माई फ्रेंड्स, आप लोग बताओ आपके क्या एम्बेरसिंग मोमेंट्स रहे आपके फ्रेंड्स के साथ, फिर मैं बताऊंगी। मेरा एम्बेरसिंग मोमेंट, तो मैंने ऐसे एम्बेरसिंग वाले कुछ खास काम तो किए नहीं है वैसे। बट आई थिंक कि मैं 11th स्टैंडर्ड में आई डिडंट स्कोर वेरी वेल, तो मैंने अपने पेरेंट्स को ये सच नहीं बताया था, और
मेरे सारे फ्रेंड्स के जो है वो ऐसे ऐसे ही सही नंबर आए थे तो 11th स्टैंडर्ड में, और जब पेरेंट्स को पता चल गया था तो काफी एम्बैरेसिंग था वो। हाय 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 एवरीवन, हेलो समीक्षा एक्स स्टारबक्स, हाय प्रैंक ऑन भावन, आई हैव ऑलरेडी प्रैंक्ड भावन। I fell in school in front of my friends. Oh, so sorry. This was embarrassing. भविष्य पे प्रैंक करूंगी मैं, बहुत जल्दी करूंगी। हेलो हेलो हेलो। तो एम्बैरेसिंग के बाद मोस्ट मिस्चीवियस मोमेंट क्या रही है, मतलब मैंने शरारती चीजें क्या करी है मैंने, आप लोग बताओ। जब तक आप शेयर करो मैं भी मेरी मिस्चीवियस मोमेंट शेयर करती हूँ। आई थिंक मैं काफ़ी सीधी सादी सी लड़की थी, पर मैंने एक बार अपना स्कूल बस मिस करके दोस्तों के साथ घूमने चली गई थी। ये सबसे बड़ी शरारत मुझे लगता है मैंने करी थी। आई थिंक ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में किया था और काफ़ी नाराज हो गए थे मेरे घर वाले इस चीज़ से। तो ये मेरा शरारती चीज था। हम आपके कौन हैं, समीक्षा लाइफ फातिमा, आप लोग मेरी जिंदगी हो, यू माय लाइफ। किन्ना सोना तू हाँ, तीन तिगाड़ा इज लव, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर अपकमिंग नेक्स्ट प्रोजेक्ट? आई एम शूटिंग फॉर समथिंग वेरी एक्साइटिंग टुडे, जो आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वेट फॉर माई नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो दिस ट्यूजडे, इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग, सो जस्ट वेट फॉर इट। हेलो हेलो एवरी हेलो। तो ये तो थे मेरे एम्बैरेसिंग मिस्चीवियस मोमेंट्स। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्विज करना चाहती हूँ, ठीक है? और मैं देखना चाहती हूँ कि इस जो भी मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके जवाब सबसे पहले कौन देता है, ठीक है? तो पहला मेरा सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ शाहरुख खान्स डॉटर इन द मोस्ट आइकॉनिक मूवी कुछ कुछ होता है? शाहरुख कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की बेटी का नाम क्या था? बताओ 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 बताओ। अंजलि, करेक्ट, अंजलि था, नहीं नंदिनी नहीं था रोहित, अंजलि था। तीन तिगारा फैन अंडरस्कोर गर्ल अंडरस्कोर ने सबसे पहले टेक्स्ट किया, नहीं नहीं उसके पहले भी टेक्स्ट किया है किसी ने। SHEFAKH43 इन लोगों ने, इन्होंने सबसे पहले टेक्स्ट किया अंजलि, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किया अंजलि अंजलि। समीक्षा अंडरस्कोर परी विसम एक्स, किरण नहीं था अंजलि था, हेतल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अंजलि था, करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो फ्रेंडशिप के, ये जो सारा क्वेश्चंस है ये जो मूवीज के बारे में मैं पूछ रही हूँ वो सारी मूवीज फ्रेंडशिप के अराउंड ही हैं। तो आज फ्रेंडशिप्स डे है तो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं। इन द मूवी सोनू के टीटू की स्वीटी, व्हाट वाज द नेम, कार्तिक आर्यन का क्या नाम था? इन द मूवी सोनू के टीटू की स्वीटी, कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर नेम क्या था? काफी इजी है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए। सोनू के टीटू की स्वीटी की जो जो मूवी है उसमें कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर का नाम क्या था? सोनू, करेक्ट। विषम विषम 456 ने दिया है करेक्ट आंसर, टीटू नहीं था खुशी, सोनू था। समृति अंडरस्कोर 29, करेक्ट सोनू दिया, टीटू नहीं था सोनू था। हेतल ने भी करेक्ट आंसर दिया, सोनू जानवी, करेक्ट सोनू संध्या, सोनू करेक्ट।
तीन तिगाड़ा अंडरस्कोर माई स्माइल सोनू जावेद मोनीश चांदनी सोनू 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 इज करेक्ट आंसर. ओके अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आप लोगों से कि इन मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वेयर डू दे गो फॉर देयर हॉलीडे. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाते हैं. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस. सोनू से आगे बढ़िए. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो तीनों अपना हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाते हैं. बताओ 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 बताओ. मूवी नहीं देखी. ओ गॉड गोवा. नो गोवा इज नॉट करेक्ट. मिनी पॉप्स कूल बटरी. नो स्पेन एक्स मफिन. स्पेन ये या स्पेन जाते हैं. विसम एक्स ब्लॉसम तीन तिगाड़ा अंडरस्कोर जिंदगी. स्पेन 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 स्पेन. भाविन लिशियस स्पेन. करेक्ट है स्पेन. मतलब आप लोगों ने फ्रेंडशिप ये जो सारी फिल्म है जो फ्रेंडशिप के अराउंड है सारी मूवी आप लोगों ने देखी है और सब लोगों ने काफी करेक्ट आंसर दिया है. विसम एक्स वर्ल्ड करेक्ट है. स्पेन है आंसर. तो आप लोगों को पता है. और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार देखो आज फ्रेंडशिप्स डे है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉम डैड होते हैं और मॉम डैड के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. मतलब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि दोस्त जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है. आप चाहे कितना भी काम करो कितना भी बिजी रहो अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालो यार. बिकॉज एक वक्त आता है जब आई थिंक आपके पार्टनर से भी ज़्यादा आपको आपका दोस्त शायद समझ सके. तो दोस्त का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. ये शायद आप अभी ना समझो अगर आप अभी बहुत छोटे हो बट आगे लाइफ में जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि दोस्तों का होना कितना इम्पॉर्टेंट है. और जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हो इट्स बेटर बिकॉज दोस्तों की लाइफ में बहुत ज़रूरत पड़ती है. सो सेलिब्रेट दिस फ्रेंडशिप्स डे. अपने दोस्तों को टाइम दो. टाइम देना बहुत ज़रूरी है. कोई भी चीज़ होती है कोई भी रिलेशन हो कोई भी काम हो उसको टाइम देना ज़रूरी है. हम ये सोचते रहते हैं उसने मुझे कॉल नहीं किया उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं भी उसे क्यों करूँ. जस्ट लाइफ बहुत छोटी है इन सब चीज़ों के लिए. सब छोड़ दो यार अपना ईगो साइड में रख दो. आप सामने से कॉल कर लो ना आप टेक्स्ट कर लो. फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कोई और चीज़. तो अपनी फ्रेंडशिप को इम्पॉर्टेंस दो टाइम दो. और आप जो अगर कोई दोस्त बिछड़ भी गए हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त थे वो पहले के और अब आपके उनके साथ कांटेक्ट नहीं है तो मैंने ऐसी लिस्ट बना के रखी है अपने कम से कम 15 दोस्तों की जिनको मुझे टेक्स्ट करना है कॉल करना है इस फ्रेंडशिप डे. एटलीस्ट आई विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद देम बिकॉज दे वर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद देम. और अगर हो सके तो आप भी ये ट्राई करो बिकॉज दोस्तों का मिलना बहुत 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 ज़रूरी है लाइफ में. तो सेलिब्रेट दिस फ्रेंडशिप डे. और अगर आपके सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करे तो रजनी अगर सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं करे तो यू ऑलवेज हैव दैट विन विन सिचुएशन. यू हैव नथिंग टू लूज. वैसे भी आपको आपकी उनसे बात तो हो नहीं रही तो कुछ आपके पास लूज करने के लिए नहीं है. अगर आपने अपनी तरफ से टेक्स्ट किया और सामने से रिप्लाई नहीं आया तो इट्स ओके. वैसे भी तो आप बात ही नहीं कर रहे थे ना उनसे. एक बार ही ट्राई करने में क्या ही जा रहा है. अगर आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी पहले तो एटलीस्ट उस दोस्ती के नाम पे आप एक ट्राई तो कर ही सकते हो ना. एक टेक्स्ट और एक कॉल तो कर ही सकते हो. तो मैं वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं. बट अगर आपके नहीं हैं और यू हैव जो फ्रेंड्स रहे हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट छूट गया तो प्लीज़ एक ये छोटी सी मेरी कोशिश है जो मैं करने वाली हूँ. इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ट्राई करना अपने लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करना इस फ्रेंडशिप्स डे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 15 में से 2-4 लोगों ने भी कनेक्ट कर लिया आप लोगों से और अगर उनके साथ आपकी वापस से बात शुरू होनी हो गई और वापस से कनेक्शन बैठ गया तो यू विल नॉट रिग्रेट इट. अगर 15 में से एक भी आपका दोस्त वापस आपसे रिकनेक्ट हो गया ना तो आई एम टेलिंग यू
ये पूरा एफर्ट आपका जो है वो वर्थ इट हो जाएगा एंड यू विल से कि यार चलो फाइनली एक दोस्त तो मिल गया. और जब वो दोस्ती वापस से गहरी हो जाएगी ना तो आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ये टाइम वेस्ट नहीं था, इट वॉज टोटली वर्थ इट. सो प्लीज़ ट्राई इट, मैं तो करने वाली हूँ ये फ्रेंडशिप डे. अपने लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स को रिकनेक्ट करने की कोशिश करो, और अगर आपके ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और कोई लॉन्ग लॉस्ट नहीं है तो उनके साथ टाइम बिताओ, बहुत ज़रूरी है. हर किसी रिलेशन के साथ उसको टाइम देना ज़रूरी होता है, ट्रस्ट मी, टाइम देना बहुत ज़रूरी है. तो उनको टाइम दो और अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे मेरी तरफ से आप लोगों को. अपना ख्याल रखो, घर में रहो, प्लीज़ मास्क अप, प्लीज़ सैनिटाइज, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. योर सैम लव्स यू. थैंक यू. बाय 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 बाय. आई लव यू ऑल.